अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम CBT पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको CBT के मॉडल्स वगैरह आपको बताए थे, CBT क्या पैगाम देने की कोशिश करती है वो बताई थी, और फिर मैंने आपको लालच दिया था कि आप डेवलपमेंट में आएंगे तो मैं इसमें हिस्ट्री कुछ CBT की बताऊंगी। तो CBT जो सी है वो है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डिफरेंट थेरेपीज आती हैं और जो कि सम कॉमन एलिमेंट्स आपस में शेयर करते हैं, मतलब कि CBT एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक। अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सी दूसरी टेक्निक्स आ जाती हैं, ACT एक्ट हो गई, ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हो गई, और भी काफ़ी आ जाती हैं बीच में। सबसे पहले तो हमारी आ जाती है, एक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आ जाती है, उसके अलावा रोल प्ले आ जाती है, मॉडलिंग आ जाती है, माइंडफुलनेस इमेजिनरी आ जाती है, अवर्जन थेरेपी आ जाती है। तो थेरेपीज तो बेशुमार हैं, ठीक। इम्प्लोसिव आ जाती है इसमें, और सिस्टमेटिक आ जाती है, जनरल राइटिंग, तो रिलैक्सिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। तो CBT एक अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल थेरेपी है जिसके बीच बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास टेक्निक्स आ जाते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज आती हैं और उन थेरेपीज में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि वो आपस में शेयर करती हैं, ठीक। उसके अलावा टू ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म जो सी हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टू ऑफ द अर्लीस्ट टर्म्स की बात करें तो वो थी REBT और कॉग्निटिव थेरेपी। REBT जो सी है वो 1950 में एल्बर्ट एलिस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, डेवलप की थी, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अराउंड टिबेक ने 1960s में डेवलप की थी। REBT आज भी, मतलब REBT फिलोसफिकल थी, REBT लाइफ फिलॉसफी पे थी कि अगर कोई इंसान डेली लाइफ की मुश्किलात से गुजर रहा है तो क्यों ना उसको फिलोसफिकल सोफिज़म इन चीज़ों के ज़रिए उसके जो उनसे अनहेल्पफुल ओपिनियंस हैं उन ओपिनियंस को फिलोसफिकली करेक्ट करने की कोशिश की जाए। तो ये थी REBT, ठीक है। तो अरॉन टीबैक ने 1950s में REBT बनी थी। कॉग्निटिव थेरेपी 1960s में आई थी जिसमें स्कीमास मेकिंग थी और काफ़ी टेक्निक्स थी कॉग्निटिव थेरेपी में इटसेल्फ। उसके बाद 1950 में जब एल्बर्ट एलिस ने पहले डेवलप की थी ना, तो पहले वो थी रैशनल थेरेपी, जैसे मैंने बताया कि उसमें था अनहेल्पफुल ओपिनियंस को फिलोसफिकली प्रूवन, मतलब फिलोसफीज थी उसमें फिलोसफिकली प्रूवन ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो हेल्पफुल होती थी उन ओपिनियंस में चेंज करने का, या उसको ऑपोजिट्स बता दिए जाते थे। इट्स सिमिलर टू नेगेटिव अनहेल्पफुल ओपिनियन, पॉजिटिव अल्टरनेटिव ओपिनियन, इस तरह के थे ये। तो पहले तो ये रैशनल थेरेपी थी, लेकिन फिर इसको रिवाइज किया गया कि नहीं, इमोशंस भी बीच में आते हैं, और इसको रैशनल इमोटिव थेरेपी बना दिया गया। उसके बाद 1959 में इसका दोबारा से नेम चेंज किया गया कि नहीं, बिहेवियर्स भी आते हैं, रैशनल ओपिनियंस, मतलब कि रैशनल माइंड, रीजनेबल माइंड, और उसके बाद फिर इमोशंस के बाद बिहेवियर, के रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी ये एट द एंड बन गई, ठीक है, 1992 में। अब अगर हम बात करें 1950s की, तो CBT मेरा ख्याल बनी है 1960s में, पीछे हमने बात की थी कि 1960s में कॉग्निटिव थेरेपी बन गई थी, अच्छा, और 1992 में REBT बनी थी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, आज भी ये इस्तेमाल होती है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इन द लेट 1950s रॉन टीबैक जो था वो साइकोनलिस्ट था, सर्टिफाइड साइकोनलिस्ट था, और उसकी ख्वाहिश थी कि साइकोनालिसिस के जो उनसे कॉन्सेप्ट हैं उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करें, मतलब उसको वैलिडिटी प्रोवाइड करे एक्सपेरिमेंटली, कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे और देखे हाँ ये तो, मतलब कि ये इस हद तक काम करते हैं, उन सबको वो कुछ वैलिडेट करे। तो जब उसने ये काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि बैक कंडक्टेड लेट हिम टू बिलीव दैट रिलेटेड साइकोनालिटिक आइडियाज, जब उसने साइकोनालिटिक आइडियाज को मतलब डिप्रेस्ड क्लाइंट्स, वो लोग जो कि इनएक्यूरेट थिंकिंग पैटर्नर्स से चल रहे थे, उन पर इम्प्लीमेंट किया साइकोनालिटिक आइडियाज़ को, तो उसने देखा कि ये तो इफेक्टिव ही नहीं हो रहा,
कोई उसको फ़ायदा ही नहीं हो रहा। उसके बाद उसने कुछ और चीज़ें भी और वो कुछ और चीज़ें भी ऑब्जर्व की थी, लाइक उनके ड्रीम्स के जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनके ड्रीम्स भी काफ़ी डिप्रेस्ड है, होपलेसनेस है उनके ड्रीम्स में, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को अपने ड्रीम्स पे, अपनी ड्रीम्स को अपनी लाइफ पे, हर चीज़ मैनिफेस्टेशन है। वो जो अगर होपलेस फील कर रहा है, अगर उसका कोई ओपिनियन है होपलेसनेस के रिलेटेड, अगर वो डिप्रेस्ड है, सैड है, कोई उम्मीद नहीं है उसकी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें जो उनसे मैनिफेस्ट हो रही हैं। उसने एक ये भी मतलब चीज़ जो उनसे थी ना अपने डिप्रेसिव पेशेंट से निकाली थी। उसके बाद उसने जो ओकेजनली रिपोर्टेड टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग उसने बात की, एक थी फ्री एसोसिएटेड स्ट्रीम, फ्री एसोसिएशन स्ट्रीम, अ स्ट्रीम ऑफ क्विक इवेल्युएटिव थॉट्स स्पेशली अबाउट देमसेल्व्स, के कुछ भी हुआ है मेरी गलती, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब फी के आपस में उन लोगों की एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो फ्री थॉट्स हैं, फ्री एसोसिएशन स्ट्रीम एंड स्ट्रीम ऑफ क्विक इवेल्युएटिव थॉट्स, ठीक, के आपस में कुछ भी नहीं है, बस आ जाके उन्हें एक ओपिनियन दे देना है कि जी फलाना बंदा है ही गलत, मैं है ही गलत। अपने आप पे भी उनकी सेल्फ स्टीम होती है, अक्सर सेल्फ ब्लेमिंग में भी पड़ जाते हैं डिप्रेसिव पेशेंट, तो उन्हें अपने आप को या किसी ना किसी को एक बहुत फिक्स्ड रिजिड इवेल्युएटिव और क्विक थॉट उन लोगों ने दे देना था, एक क्विक स्टैम्प उन लोगों ने कर देनी थी कि ये चीज़ है ही ऐसी, मैं इसको ऐसे ही देख रही हूँ, इस तरह करके ना। तो फिर इन क्विक इवेल्युएटिव थॉट्स को अरॉन बैक ने कहा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ठीक, जो कि उनके इमोशंस के साथ जुड़े हैं। जब भी कोई ऐसा इमोशन, जैसे कि मैंने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट या फिर कुछ भी ऐसा जो उनको उनके लिए डिसलाइक है, अपने डिसलाइक्ड इमोशन वो फील करते थे, वो हमेशा वो अपना वो एक रिजिड सा थॉट, अपना एक क्विक इवेल्युएटिव रिजिड सी थिंकिंग अपना थॉट स्टैम्प कर देते थे। तो उसने कहा कि ये एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है जो कि टाइड अप है विद इमोशंस। उसके बाद उसने कुछ मतलब एक्सपीरियंस के बारे में कह दिया। उसके बाद फिर उसने क्या कहा, अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना शुरू कर दिया कि कैसे इन नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे इनको इवेलुएट करें, कैसे इनको रिस्पॉन्स करें, और कैसे इन अनरियलिस्टिक मैनेजेटिव थिंकिंग से निकल के इसको इम्प्रूव किया जा सके। और जब उसने ऐसे अपने क्लाइंट्स को मदद करना शुरू की, तो उसने ये चीज़ देखी कि ये तो क्वाइट हेल्पफुल, इट्स क्वाइट हेल्पफुल। अगर मैं एक पेशेंट को बता दूँ, अगर मैं एक पेशेंट को रियलाइज़ कराना शुरू कर दूँ कि अभी ये जो आपने बात की वो एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट था, जो कि इसकी ये इसकी यहाँ से सारी निकलती थी बुनियाद, और ये ऐसे था, तो मैं भी तो उसके लिए कितना हेल्पफुल है। और ऐसा ही हुआ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद फिर बेक ने 1960s में बना ली अपनी CBT, और उस CBT को फर्दर फिर मतलब के बेक को साइकियाट्रिक रेजिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनियास में बुलाया गया टू यूज़ दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे वो ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता भी था और जहाँ पे ये ट्रीटमेंट लोगों को सिखाता भी था, ठीक। और वहाँ पे फिर इसने इस पर मज़ीद साइंटिफिकली काम किया, मज़ीद इसमें आज भी इसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं, CBT काफ़ी मुसलसल रिवाइज हो रही है और मुसलसल इसमें एडवांसमेंट्स आती रहती हैं। अभी जो मैंने बात की कि उसने क्या काम किया था, उसने कहा था अनहेल्पफुल ओपिनियंस को, अनहेल्पफुल थिंकिंग को कैसे उसने आइडेंटिफाई करवाया, इवेलुएट करवाया, और कैसे उसने आइडेंटिफाई करवाया। इसी एक पैटर्न की वजह से CBT जोनसिया आहिस्ता आहिस्ता पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे डिप्रेसिव एंजाइटी लोगों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वाइड ट्रीटमेंट इसकी रेंजेस निकलने लगी, सिर्फ इसकी एक इस खूबी की वजह से, जो कि बिहेवियरल थेरेपी कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रही थी, RABT निगलेक्ट कर रही थी। आई होप क्या आपको समझ आया है कि इसकी डिवेलपमेंट कैसे हुई। मैंने काफ़ी ब्रीफली बताया, जब मैं अपने कोर्स में शॉर्ट कोर्स में करवाती हूँ ना, शॉर्ट कोर्स में मैं काफ़ी डिटेल में बताती हूँ। पहले मैं एल्बर्ट एलिस का सारा बताती हूँ, उसने कैसे RABT डेवलप की, किन किन फिलोसफिकल आइडियाज़ और किस आइडिया के बिना पे, फिर एल्बर्ट एलिस ने कैसे, मैंने अभी इसमें वीडियो में सिर्फ एक आइडिया बताया कि एल्बर्ट एलिस ने पहले ऐसे ऐसे काम किया, फिर मैंने बताया कि अरॉन्टी बेक का क्या आइडिया आया। असल में वो एक सर्टिफाइड साइको एनालिस्ट था, साइकोएनालिसिस करते करते जैसे उसने फील होप मतलब कि उसको वैलिडेट करने बैठा, जब उसे वैलिडेट नहीं हो सकी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकी उसके फिनोमिनास को, तो फिर उसने
साथ ही साथ उसने ये एक थिंकिंग निकाली कि अच्छा ये पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं, और फिर उसके बिना पे उसने फिर एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्लान निकाल लिया, और इस तरह उसकी CBT मतलब कॉग्निटिव थेरेपी बन गई, और फिर कॉग्निटिव थेरेपी इवॉल्व होती होती CBT की फॉर्म उसने ले ली। ठीक, तो मैंने तो आपको सिर्फ इतना से बताया, लेकिन कोर्स वर्क में भी ये भी ज़रा ज़्यादा इन डिटेल हो जाती है। हाँ, और मेरा कोर्स जो सा है शॉर्ट कोर्स ऑफ CBT 3 मंथ्स का है, और उसके आउटलाइन में CBT एडिक्शन के साथ, कन्वर्जन के साथ इवन के साइकोटिक्स के साथ भी CBT हो सकती है। साइकोटिक्स के साथ कैसे CBT हो सकती है ये भी मैंने सिखाया है। बायपोलर के साथ CBT कैसी होगी वो भी उसमें है। तो आई होप कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कमेंट में आप लिखिए कि अगर आप शॉर्ट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप इंस्टा पे आप कांटेक्ट करें, तो वहाँ पे फिर मज़ीद आपसे आउटलाइन ऑफ द कोर्स शेयर कर ली जाएगी, और एक्सपेंसेस और सब कुछ आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको CBT की जो डिवेलपमेंट है, पर्पज़ है, मेरी तरह बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिएगा। बाय बाय, टेक केयर।